नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त दैनिक न्यूज सच में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधा मिलाते हैं एक मुख्य खबर की ओर। आपको बता दें कि चित्रकूट के मऊ तहसील के अंतर्गत खंडेहा गांव, जहां अनुज सिंह पटेल की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत और चचेरी बहन रश्मि भी झुलस गई, और बताया गया कि बगीचे में आम तोड़ने के दौरान आकाशीय वज्रपात की चपेट में आने से चचेरे भाई और बहन झुलस गए थे। गांव के कुछ परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने अनुज पटेल को देखते ही मृत घोषित कर दिए। मौके पर पहुंचे लेखपाल अरबाज सिद्दकी, नायब तहसीलदार जितेंद्र ने लिख पढ़कर सरकारी आर्थिक मदद करने का दिया आश्वासन। प्राप्त तहरीर के अनुसार मऊ पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा गया चीर घर मर्चरी। देखिए हमारे सहयोगी दैनिक न्यूज सच चैनल से शिवसागर निषाद मऊ चित्रकूट की खास रिपोर्ट। कौन सा गांव है? खंडेहवा। तहसील कौन सी है? मऊ। क्या घटना हुई आपके लड़के के साथ? ना, ये बगीचा में थे दो लड़के, एक लड़की भाई की और एक हमारा लड़का, आम के पेड़ के नीचे थे, वहीं बरस रहा तो वहीं खड़े हो गए थे ये, तो वहीं बिजली गिरी। और जब बाद में हमको पता चला, क्या कहते, कुछ एक लड़की हमारी हो जो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो घर पहुंच के बेहोश हुई है। अच्छा। उसने जाके जब बताया कि वो बगीचा में बेहोश पड़ा है, तो जब वहां गए तो देखे तो ये बेहोश पड़ा था। फिर इसको उठा के लाए, यहां लाए अस्पताल। क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले थे एक्सपायर हो चुका। उसके बाद किसी अधिकारी को जानकारी दी गई इसके विषय में? अबे तो किसी अधिकारी को जानकारी नहीं। लेखपाल साहब, इसके बाद आपने किसी अधिकारी को जानकारी दी इस विषय में? नायब लेखपाल साहब आए थे, वही लिख पढ़ करके। ठीक है। आकाशीय बिजली का आज शाम को लगभग समय 6 बजे आकाशीय बिजली से ग्राम खंडी कि अनुज पुत्र हरिहर सिंह की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई, जबकि ज्योति सिंह रश्मि सिंह पुत्री निर्भय सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। उन गंभीर रूप से घायल रश्मि सिंह का इलाज हो रहा है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।